प्रत्याहृत होइछि कृषक आंदोलन, कृषि आईन प्रत्याहार और कृषक संगठन गुड़िकर विभिन्न दाबी नहीं सरकार निज आभिमुख्य स्पष्ट करिबा परे कृषक संगठन गुड़िक आंदोलन शेष करिछन्ति। दिल्ली सिंघु सीमारे दीर्घ एक वर्ष धरी आंदोलन चलिथिला। मिलित कृषक मोर्चारे दीर्घ समय धरी बैठक पर एही निष्पत्ति निया जाइछि। 15 जनवरी रे पुणी किसान मोर्चार बैठक बसि परवर्ती रणनीति संपर्क में निष्पत्ति निया जिवो। आंदोलन प्रत्याहार हेबा परे 11 डिसेंबर रु कृषक घर बाहुडा करिवे। गतवर्ष सेप्टेम्बर केन्द्र सरकार नुआ कृषि आईन पास करते कृषक माने दिल्ली सीमारे नवेम्बर 26 रु आंदोलन आरंभ करते। विभिन्न समय रे कृषि आईन को नहीं सरकार और कृषक मुहांमुही होते। तेज गतमास आईन प्रत्याहार करने को सरकार घोषणा करते। सीडीएस विपिन रावत को हेलिकॉप्टर दुर्घटना संपर्क में आज संसद को अवगत कराई प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते 8 डिसेंबर में भारतीय वायुसेनार विमान जो सीडीएस विपिन रावत थे दुर्घटनार शिकार होती। विपिन रावत को समेत पत्नी मधुलिका रावत और अन्य एकाज वायुसेना सदस्य यह दुर्घटन मृत्यु होता संसद में सूचना देते प्रतिरक्षा मंत्री। संसद में सीडीएस रावत समेत अन्य समस्त श्रद्धांजलि जनाई राजनाथ सिंह कहते घटनार तदंत निर्देश दिया सूचना देते। एयर मार्शल मानवेन्द्र सिंह नेतृत्व में तदंत आरंभ हो तदंतकारी दल घटनास्थल में गतकालीठू पहुंची तदंत कर। तमिलनाडु कुन्नूर में होता हेलिकॉप्टर दुर्घटन में सीडीएस जनरल विपिन रावत सहित 13 जन प्राण हर बेले बर्ती जाइंट मात्र जड़े से होती ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। दुर्घटनास्थल उद्धार पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम रे रखी चिकित्सा जारी रही। लोकसभा प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते वरुण का आशु आरोग्य सब् व्यवस्था जारी रही। पूर्व जांत्रिक त्रुटि सत्वे तेजस युद्ध विमान को साहसिकतार सह करते अवतरण। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह गत अगस्त सेना पक्ष शौर्य चक्र से सम्मानित करा। वरुण सिंह घर पूर्व उत्तर प्रदेश देवरिया अंचल वरुण स्थलसेनार एयर डिफेन्स और भाल नौसेनार अफिसर भाव कार्य कर। गतकाल सेना विमान दुर्घटन में शहीद जवान पार्थिव शरीर को मिलिट्री हस्पिटाल माड्रास रेजिमेंट पणा जाइए। विमान दुर्घटन में सीडीएस विपिन रावत समेत 13 जन मृत्यु हो। विमान दुर्घटन में शहीद जवान पार्थिव शरीर को मिलिटरी हस्पिटाल माड्रास रेजिमेंट पणा से पहुंचे तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। तमिलनाडु नीलगिरी जिलार माड्रास रेजिमेंट सीडीएस समेत अन्य शहीद जवान को श्रद्धांजलि जनाई मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। दुर्घटनार तदंत पर वायुसेना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर देती। हेलिकॉप्टर तमिलनाडुर कोयंबाटूर पाखे सुलूर वायुसेना विमान बंदर गतकाली सकाल 10टा उड़ाण भरीला किंतु दिन 12टा परे परे नीलगिरी पर्वतांचल पाखे विमानटी दुर्घटनार शिकार। हेलिकॉप्टर दुर्घटन देशर प्रथम सीडीएस मृत्यु घटी। यहापर सरकार आगे अनेक नुआ चैलेंज उभा हो। पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान पर देशर सुरक्षा एवं बड़ चैलेंज रही तेणु दीर्घ समय धरी एही पद खाली रहा ठीक नुहे। पूर्व जदिव सेनार यह पद नथिला किंतु मोदी सरकार क्षमता को आसवा परे परे तीन सेनार मुखिया रहा आवश्यक बोली उद्बोध करथिला आउ एहा परे चीफ डिफेन्स स्टाफ बासीदीस पद तैयारी होता। मिलिथिबा सूचना अनुजाई विपिन रावत को उत्तराधिकारी घोषणा होगा सहित सेना सेक्शन प्लान आसो सूचना रही जहां खूब शीघ्र पूरण हो। तेज नुआ सीडीएस किए हे से विचार विमर्श चली। विपिन रावत मृत्यु पर सेना मुख्य मनोज मुकुंद नरवणे वरिष्ठ अधिकारी रही जिकि देश में वरिष्ठ सेना अधिकारी। मनोज मुकुंद नरवणे पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और एनवी मुख्य एडमिरल आर हरिकुमार रही किंतु सरकार जदि वरिष्ठता को गुरुत्व देबे ताहले नरवणे नुआ सीडीएस होवार संभावना अधिक रही। जदि एहा हुए ताहले सेनार मुखिया पद खाली पड़े। जनरल रावत मृत्यु पर सेना बल सेक्शन लाइन अप प्रभाव पड़े सूचना रही। गतकाली सुरक्षा संपर्कित कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को विपिन रावत दुर्घटना बाबत अवगत कराया। बैठक में परवर्ती सीडीएस किए हे से नहीं आलोचना होता सूचना रही। आगामी 7-10 दिन मध्य नुआ सीडीएस नाम घोषणा करिपारंती सरकार। सीडीएस विपिन रावत हेलिकॉप्टर दुर्घटन शहीद होती जड़े ओडिया जवान। भारतीय वायुसेन जूनियर वारंट अफिसर भाव कार्यरत राणा प्रताप दास से ही हेलिकॉप्टर जमापड़। शहीद राणा प्रताप घर अनुकूल जिला कृष्णचंद्रपुर में 3 वर्ष ते बह होता और गोटे 1 वर्ष पुओ। बुधवार विपिन रावत और पत्नी सहित 13 जन जवान हेलिकॉप्टर दुर्घटन में मृत्यु होता से ओडिया जवान राणा प्रताप दास।
जनरल विपिन रावत और तांको पत्नी समेत 11 जन को श्रद्धांजलि देवाई दिल्ली बासभवन में पहुंचे स्थल और जलसेनार अधिकारी विपिन रावत पत्नी पार्थिव शरीर बासभवन में पहुंचा बेलू तीन सेना अधिकारी से उपस्थित रही। जनरल विपिन रावत बासभवन में संध्यार एक श्रद्धांजलि सभार आयोजन होवार कार्यक्रम रही। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उपस्थित रहिबे बोली सूचना रही। शुक्रवार दिल्ली कंटेनमेंट में विपिन रावत और तांको पत्नी अंतिम संस्कार हो। सीडीएस विपिन रावत मृत्यु में गभीर शोक प्रकाश कर पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड मुख्यमंत्री विपिन रावत मृत्यु उत्तराखंड समेत सारा देश अपूरणीय क्षति बोली मुख्यमंत्री देशपाई सेवा केवे भूली हेब ना बोली से कहते। उत्तर प्रदेश अमरोहा जड़े कलाकार जनरल विपिन रावत चित्र मध्यम श्रद्धांजलि जनाई कोईला व्यवहार कर से 8 फुट्र उच्चर चित्र आंकी एभली श्रद्धांजलि चित्रशिल्पी। सेना विमान दुर्घटना रे जम्मूर एक स्कूल रे छात्र छात्री माने जनरल विपिन रावत और तांको पत्नी समेत 11 जन को श्रद्धांजलि देइछन्ति। तांको परलोक एक बड़ क्षति एवं देश पाई एहा एक यंत्रणादायक दुर्घटना बोली कहिछन्ति छात्र छात्री। वायुसेनार विमान दुर्घटना ने शोक प्रकाश करछन्ति बिहार सांसद चिराग पासवान। विमान दुर्घटनार कारण कौन एवं एथिसा घटना पछरे कारण खोजा जाई सठिक अनुसंधान कराजिबा उचित बोली से कहिछन्ति। दिल्ली रोहिणी कोर्ट परिसर में विस्फोरण एथिरे क्षयक्षति नहीं कौन सी रिपोर्ट आसी नहीं। पीटीआई रिपोर्ट अनुजाई कोर्टे एक लैपटॉप बस्ट होता कह विस्फोरण जो कोर्ट प्रोसीडिंग को बातिल करा जाई। विस्फोरण में कोर्टे जड़े कर्मचारी आहत होती तुरंत उद्धार कर निकटस्थ हस्पिटाल भर्ती कर घटनास्थल आईईडी विस्फोरक टिफिन भली जिनस मिली। दिल्ली पुलिस एक स्पेशल स्क्वाड घटनास्थल में पहुंची तदंत चल। देश में 9419 नुआ आक्रांत चिन्हट हो 168 जन मृत्यु हो गोटे दिन में 8251 जन कोरोना सुस्थ होती। देश में मोट सुस्थों संख्या रही 3,40,97,388 सक्रिय संक्रमितों संख्या रही 94,741। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण मात्रा थमार ना ने शीतदे वायुर गुणवत्ता हेतु राजधानी में कूआपथर माड़ हो प्रदूषण मात्रा एत बढ़ी लोके असुविधार सम्मुखीन होती।